क्या बदला देंगे? क्या है व्हाट इज योर हॉबी? आपका शौक क्या क्या है? व्हाट क्या क्या है? व्हाट आर योर हॉबी? आपका क्वेश्चन माय हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा शौक पढ़ना और पढ़ाना। माय हॉबी इज दो है ना, बता दो हो गया डंके ए इज होगा क्या होगा? तो माय हॉबी की माय हॉबीज इज किया तो माय हॉबीज आर पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना का रीड रीड बोलेंगे, रीडिंग रीडिंग और का एंड टीचिंग। पढ़ाना का टीच बोलेंगे कि टीचिंग बोलता टीच है। यहाँ पे क्या बोलना है? रीडिंग एंड टीचिंग। क्या बोलना है? बोलो मेरा शौक पढ़ना और पढ़ाना है। माय हॉबीज आर रीडिंग एंड टीचिंग। ठीक है आगे। मेरा शौक मैगी बनाना। मेरा शौक मैगी बनाना। वही काम है बाकी थोड़ा पराली का छोड़ दे, हम मैगी बना बैठे। माय हॉबी इज कुकिंग मैगी। कुकिंग मैगी होगा बिफोर होता है हॉबी के साथ बिफोर होता है ना। माय हॉबी इज कुकिंग होगा कि कुक होगा? कुकिंग ना आईजी लगता है, भूल गए? अरे या तो टू प्लस बी वन बी सिक्स या बी फोर कुकिंग होगा ना। सोचो थोड़ा सा क्या दिक्कत, गलती होगा होने दो, ठीक करो। चाय बनाना प्रिपेयर की या मेक की? खाना बनाना। ड्रॉ पिक्चर। सीए बनना। क्या बनना? सीए बनना। सीए बनना हाँ। तो तू बी या सी? बी सी या बी या सी? बी कर दो। झूठ बोलना। के लगा है तलंगा इज फेमस फॉर यूनिवर्सिटी। मेरा गांव माय विलेज इज फेमस फॉर बिजनेस। आपका रंग क्या है? व्हाट इज योर कॉम्प्लेक्शन? बड़े के लिए ना हाँ, सीनियर ही बोलते हैं। और ये क्या होता है? छोटा के लिए सीनियर लिखेगा, सीनियर नहीं होगा। सर जूनियर मतलब छोटा। वो बताना पड़ेगा तुमको। अरे भाई बिहार में बैठा है ना, उल्टा लिख दिया है। हाँ जूनियर ये हो जाएगा सीनियर। जूनियर मतलब क्या? बड़का। बड़ा के लिए किसका यूज करेंगे? सीनियर का। और छोटा के लिए किसका यूज करेंगे? बड़ा के लिए किसका? सीनियर। छोटा के लिए किसका? जूनियर का। अब बड़ा छोटा किसी ना किसी से तुलना करके बोलते हैं ना, कंपैरिजन करके बोलते हैं ना। जब भी किसी से कंपैरिजन करेंगे तो टू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? टू। इस दोनों में किसका यूज करेंगे? किसे बड़ा रहेंगे तो टू लगा करके, किसे छोटा भी रहेंगे तो क्या लगा करके? टू लगा। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम का फेवरेट है। ठीक है क्वेश्चन देगा आई एम सीनियर डैश यू तो क्या आएगा? टू। आई एम जूनियर डैश यू क्या आएगा? टू। मतलब बड़ा होगा तो किससे लगा करके? टू। छोटा भी होगा तो किसको लगा करके? बस ये बात समझ में आ गया ना। तो बोलेंगे कि मैं हूँ तो क्या बोलेंगे? I am। मैं का इंग्लिश? I am। हूँ का इंग्लिश? I am। मैं हूँ क्या होगा? I am। मैं बड़ा हूँ? I'm senior। I'm senior। क्या बोलेंगे? I'm senior। जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके? बस यही तो एग्जाम में पूछता है। प्रीपोजिशन I'm senior। और जिससे भी रहेगा क्या लगा करके? टू। तो बोलेंगे मैं आपसे सीनियर हूँ। I'm senior to you। क्या बोलेंगे? एक बार बोलो। क्या बोलेंगे? एक बार बोलो। बराबर अंदर से प्रतिदिन से बोलो। खा के नहीं आ रहा क्या? कहाँ से खा लेगा क्या? अभी कैसे खा लेगा? साथ में देखो आठ
रात को तो खा के आता कम से कम, बस ये रोटी तो खा के आ सकता है नहीं? कौन खाता है? अभी तुमको मिल जाएगा एक छिपा तो खा लेंगे, कौन कहाँ खाए है? कौन खाता है? अच्छा बोलेंगे मैं आपसे सीनियर हूँ तो क्या बोलेंगे? I am senior. मैं आपसे सीनियर. अच्छा अब थोड़ा जूनियर करते हैं. मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वू का क्या हो जाएगा? जूनियर का बताना पड़ेगा. आर जिससे भी लेंगे क्या लगा करके वो ठीक तो है. मैं आपसे सीनियर हूँ तो क्या बोलेंगे? I am junior to you. क्या बोलेंगे? मैं आपसे सीनियर हूँ. I am senior to you. मैं आपसे जूनियर हूँ. इमरान बोल क्या बोलेंगे? हिंदी क्या हो जाएगा? मैं आपसे प्रॉब्लम नहीं लगेगा. ठीक है कंपैरिजन में देन का यूज करते हैं. टी एच ए एन देन डिग्री एक चैप्टर है ग्रामर में, उसमें पढ़िएगा तुलना करने में. लेकिन वहां देन का यूज करते हैं. लेकिन उसमें उर्दू का एक्सेप्शन भी है. यही जैसे जूनियर सीनियर सबको लगता है कि इसमें क्या आना चाहिए, तुलना करने क्या आना चाहिए, आता है देन. लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है ना, अपवाद रूल को फॉलो. खच्चर बदमाश. एक्सेप्शन का मतलब हर गांव में उर्दू को मिलेगा. इस क्लास में होगा, खोजो ना कहीं पर. याद रखो तो ये एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन पीछे का उर्दू वही लगा, टू लगाते हैं. क्या लगाते हैं? टू. याद हो गया तो ठीक है ना. छापना हाल हो बोला बस उस आपको सुन ना. यस सर. किसका? हेलो ना, मैं आपसे सीनियर क्या बनेगा? I am senior to you. लेकिन तो लेकिन क्या हो जाएगा? बट लेकिन का मामा लेकिन का चाहिए मामा. I am junior to you. लेकिन क्या हो जाएगा? लेकिन मैं आपसे जूनियर हूँ ना. हाँ. तुम मुझसे जूनियर हो? नहीं मैं आपसे सीनियर हूँ. लेकिन तो मैं आपसे सीनियर क्या हो जाएगा? I am senior to you. लेकिन बट तुम मुझसे जूनियर ना, तो यू आर जूनियर टू मी. क्या हो जाएगा? तुम मुझसे जूनियर हो तो क्या बोलेंगे? यू आर जूनियर टू मी. मैं आपसे जूनियर हूँ. आई एम जूनियर टू सॉरी आई एम जूनियर टू यू. चेंज होगा सब्जेक्ट, बात खत्म हो रहा है. उस समय मैं क्लास में था. उस समय का इंग्लिश होता है एट दैट टाइम. इसका दो हिंदी होता है. या तो बोलो कि उस समय आराम से सीख लो. बोले क्या? बोलो उस समय. या बोलो उस वक्त. बोले सर क्या क्या बोलेंगे? उस समय. क्या बोलेंगे? तो बोलो उस समय क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? एक बार और क्या बोलेंगे? एक बार और क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या हो जाएगा? उस समय. क्या हो जाएगा? उस वक्त. अब मैं का इंग्लिश क्या होगा? मैं था का? मैं हूं का? मैं हूं का? आई एम. मैं हूं का क्या बोलेंगे? मैं था का? मैं हूं का? मैं था का? मैं था तो क्या बोलेंगे? मैं घर पर था तो क्या बोलेंगे? घर पर. घर पर सोचो सोचो सोचो. घर पर. हाँ घर पर. छत पर होगा? घर में कहीं ना कहीं रूम में होगा, किचन में होगा, गोसाई घर में होगा. एट होम. एट होम बोलो या एट हाउस क्या दिक्कत? तो बोलेंगे उस समय मैं घर पर था. बताओ जरा क्या बोलेगा? उस समय मैं घर पर था. पहले किसका बनाएंगे? उस समय का. फिर इसका मैं का ना. हाँ मैं था आई वाज घर पर एट होम. मैं घर पर था क्या बनेगा? मैं घर पर था क्या बनेगा? आई वाज एट होम. क्या बोलेंगे? एक बार और बोलो. एक बार आओ. एक बार आओ. अब दोनों के साथ बोल दो. एट दैट टाइम आई वाज एट होम. क्या बोलेंगे? मैं था तो क्या बोलेंगे? आई वाज. मैं घर पर था तो क्या बोलेंगे? I was at home. हिंदी क्या हो जाएगा? मैं घर पर था. At that time I was at home. उस समय मैं घर पर था. और बोलो. और दूसरा है? तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? What? क्या का इंग्लिश? What? बोलेंगे क्या है?
व्हाट इज इट? बोलेंगे क्या आज, क्या बोलेंगे? व्हाट? और तुम्हारे हाथ में, योर हैंड, क्या बोलेंगे? योर हैंड, इन योर हैंड, योर हैंड, इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में, आराम से, इन योर। इसका फेस बोले तो उस समय मैं क्लास में था, लेकिन मेरा भाई लेकिन मेरा भाई ठीक है, उस समय मैं क्लास में था, तो क्या होगा? एट दैट टाइम आई वॉज इन द क्लास, क्या देख सकते आई वॉज एट होम के जगह आई वॉज इन द क्लास, और बोलेंगे उस समय मैं ट्यूटी में था, तो क्या बोलेंगे? एट दैट टाइम आई वॉज इन ट्यूटी, इन्हें ना आ जाएगा, बोलेंगे उस समय मैं छत पर था, तो क्या बोलेंगे? उस समय का एट दैट टाइम मैं था का आई वॉज छत पर ना ऑन द टेरिस, क्लास में ना इन द क्लास, क्यूटी में ना इन क्यूटी, रनवे में इन रनवे, ठीक है ना, टावर पर एट टावर, टावर चौक का बात कर रहे थे, अगर टावर का ऊपर हो जाएगा तो ऑन द टावर, टावर का दो कॉन्सेप्ट ना, एक तो दरभंगा में टावर भी तो है, दरभंगा टावर में कहीं तू मार्केटिंग कर रहा है तो क्या बोलेगा? एट टावर, और तुम सच में टावर पर चढ़ गया ऊपर पुल्ली पर, तो क्या हो जाएगा? सही कॉन्सेप्ट, जब किसी चीज का ऊपर रहेगा सटल रहेगा तो ऑन हो जाता है, जैसे देखो ये घर है और चोपा जो ना यहाँ पर है, चोपी, तो चोपी अभी कहाँ पर है? छत पर है ना, ऊपर है ना, ऊपर है ना, किसी चीज के ऊपर है तो ऑन लगाना, क्या लगाएगा? वही चोपा नीचे में खड़ा है यहाँ पर दरवाजे पर, ये भी दरवाजे में खड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का हिंदी पर होगा, यहाँ भी एट का मतलब पर, यहाँ भी ऑन का मतलब पर, लेकिन ये कैसा सेंस देगा? ऊपर वाला, ये कैसा सेंस देगा? आसपास वाला, नीचे में लेकिन आसपास, समझ गए ना? जब बोलेंगे हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, तो ऊपर में जाएगा दरवाजे ऊपर में देखने के लिए, समझ गए ना? मतलब दरवाजे के पास पे खड़ा खटखटा रहा है, तो बोलेंगे हु इज एट द डोर, कौन है दरवाजे पर, ठीक है ना? कोई बोलेगा आई एम एट द डोर, मैं हूं दरवाजे पर, ठीक है? और बोलो क्वेश्चन को खत्म करते हैं, चलो जल्दी आओ होने के लिए किसका यूज करते हैं? कमान हरी अप गेट रेडी, क्या बोलेंगे? कमान हरी अप गेट रेडी, पूरी तरह क्या बोलेंगे? कमान हरी अप गेट रेडी, चलो जल्दी करो तैयार हो जाओ, ठीक है? रेडी का मतलब तैयार होना नहीं, होने के लिए किसको लगाते हैं? गेट का, क्योंकि रेडी वर्ब नहीं है, ये रेडी जो है तुम्हारा क्या है? वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है, तो होना लगाना पड़ेगा ना, होना के लिए गेट लगाते हैं, गेट रेडी, ठीक है? और है क्या क्या ठंडा लग रहा है God is omnipresent होता है, omnipresent, 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 भगवान है तो God is, भगवान है तो क्या बनेगा? God is, God is, और सब जगह का होता है omnipresent, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह, चिंता मत करोगे क्या होगा? डोंट वरी, क्या बोलते हैं? एक बार बोलो क्या बोलेंगे? एक बार बोलो क्या बोलेंगे? डोंट वरी, क्या बोलेंगे? डोंट वरी का हिंदी क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारे साथ ना, आई एम विथ यू, सिखाना है, आई एम विथ यू, हो गया, मैं हूं तो आई एम,
जिसके भी साथ रहेंगे वो चलाना पड़ेगा। I'm with you. आपका स्वागत है। You are welcome. कोठी से नया साल पुराना तो खत्म हो गया। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। You are welcome. क्या बोलेंगे? हाँ बहुत बहुत रहेगा तो मस्त कर देंगे। You are most welcome. आया सरवेन? आपका स्वागत है। You are welcome. आपका बहुत बहुत स्वागत है। You are most welcome. बोलेगा ना? बोलेगा अच्छी से कोई आए अच्छा लगे। You are most welcome. और इतना बच्चा तुमने कहा ना क्या लगे? You are most welcome. ऐसा आएंगे नहीं? मैं आपके साथ हूँ। कैसे? मैं आपके साथ हूँ। I am with you। हाँ, जो डाउट लगे बिंदास। ज़्यादा स्लो हो गया क्या? हम कितना लिख लेते हैं? हम लगभग गर्मी खूब लेगी। छोटा को क्या बोलेंगे? जूनियर की सीनियर? जूनियर। और बड़ा को? सीनियर। आप जिससे भी सीनियर या जूनियर रहेंगे तो क्या लगा सकते हैं? तो बोलेंगे मैं आपसे सीनियर हूँ
मैं आपसे जूनियर हूँ. आई एम सीनियर टू यू. मेरा भाई तुमसे सीनियर है. माय ब्रदर इज सीनियर टू यू. मेरे पापा मुझसे सीनियर है. माय फादर इज सीनियर. तो होंगे नहीं सीनियर. आ जाओ. तुम्हारा भाई मुझसे जूनियर है. योर ब्रदर इज सीनियर टू मी. सीनियर टू मी. चिंता मत करो का. डोंट वरी. बोलेंगे घर पर तो क्या बोलेंगे? एट होम. मैं था तो क्या बोलेंगे? आई वाज. मैं घर पर था. आई वाज एट होम. आई वाज एट होम. मैं क्लास में था. आई वाज एट क्लास. आई वाज इन द क्लास. बोलेंगे चलो जल्दी करो तैयार हो जाओ. कमांड हरी अप गेट रेडी. कमांड हरी अप गेट रेडी. जैसे बोलेंगे भगवान है तो क्या बोलेंगे? भगवान है. सर्वत्र का क्या होता है? सर्वत्र का सर्वत्र मतलब सभी जगह. सर्वत्र का मतलब क्या होता है? जगह. तो बोलेंगे भगवान है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तीन बात होता है यहाँ से निकलता है. तीन क्या? वो एक भगवान सभी जगह है, एक भगवान सब कुछ जानने वाला है, एक भगवान पति होगा सब शक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ना. तीन बात. एक होता है ओमनीपर्जेंट. ठीक है क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे भगवान सर्वत्र है. क्या बोलेंगे? भगवान सर्वत्र है तो क्या बोलेंगे? God is omnipresent. क्या बोलेंगे? omnipresent का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वत्र. दूसरा होगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है या सर्वशक्तिशाली है तो क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट बनल है सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली बोल सकते हैं. अधिकार क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सर्वत्र है ना, सर्वशक्तिशाली है ना. कौन बोले थे बात? सब कुछ जानने वाला. ओमनीसिएंट सर्वज्ञानी. तीन होता है तो बोलेंगे तो देखो तीन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ना. बोलो जरा इसको बोलेंगे ओमनीपर्जेंट. क्या बोलेंगे? ओमनीपर्जेंट. क्या हो जाएगा? सर्वत्र मतलब सभी जगह. दूसरा हो जाएगा ओमनीपोटेंट. क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट मतलब क्या हो जाएगा? सर्वशक्तिशाली सबसे ज्यादा शक्ति वाला. ठीक है. तीसरा हो जाएगा ओमनीसिएंट मतलब सब कुछ पता है उनको. ठीक है ना. ओमनीसिएंट क्या बोलेंगे? ओमनीसिएंट. अब बोलो. हम हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश बोलेगा. ठीक है. बोलेंगे भगवान है तो क्या बोलेंगे? God is. भगवान सर्वत्र है. God is omnipresent. क्या बोलेंगे? God is omnipresent. भगवान सर्वशक्तिमान है. God is omnipotent. भगवान सब कुछ जानने वाला है. God is omniscient. God is omniscient. ठीक है. छाप लो. भगवान सब शक्तिमान है. शक्तिमान शक्तिशाली सभी की बात है. सब शक्तिशाली तो क्या बोलेंगे? God is omni. भगवान सर्वज्ञानी सब कुछ जानने वाला है. उसके बाद क्या बोलेंगे? God is omniscient. God is omniscient.
एफिशिएंट आसान है, बस कोशिश करो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीख जाएगा। हो गया मिटाए तो बोल जरा भगवान सर्वत्र है क्या बोलेंगे Omnipresent क्या बोलेंगे भगवान सब शक्तिमान है भगवान सब कुछ जानने वाला है जानने वाला ज्ञानी ना omniscient चिंता करना का क्या होता पता है वरी वरी का मतलब क्या होता है चिंता करना क्या होता है चिंता करना किसी को बोले तो छापो बोले क्या बोले चिंता करना का क्या बोलेंगे और किसी को मना करते हैं तो क्या लगाते हैं डॉट लगाते हैं जब भी किसी को कुछ मना करना हो तो क्या लगा देते हैं किसी को बोलेंगे चिंता मत करो डॉट क्या बोलेंगे डॉट वरी हिंदी क्या हो जाएगा चिंता मत करो अच्छा मैं का इंग्लिश क्या होता है मैं हूं का क्या हो जाएगा मैं का क्या होता है मैं हूं का क्या हो जाएगा अब जिसके भी साथ रहेगा विथ लगा कर जैसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो बोलना आई एम विथ यू क्या बोलेंगे क्या लिखेंगे यहां पर ना बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्या बोलेंगे बोलेंगे भगवान तुम्हारे साथ है मैं की जगह क्या आ जाएगा एम की जगह क्या आ जाएगा मेरे साथ ना विथ यू करेंगे कि विथ मी करेंगे नहीं हो जाएगा जैसे बोलेंगे चिंता मत करो भगवान तुम्हारे साथ है डोंट वरी विथ मी करो ये यू करो भाव यहां मेरे साथ हो गया अगर बोलेंगे तुम्हारे साथ तो क्या बोलेंगे यू कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना तो बोले भगवान सोनू के साथ है तो क्या बोलेंगे गॉड ही हो जाएगा ना इसका हिंदी क्या हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ इसका क्या हो जाएगा बोला करो तुम्हारे साथ गलती है बोलो लेकिन हाँ विमान के लिए खोलना सीखो कभी नहीं बोला गलती है बाकी चलेगा छापो ना ये छापो ना उधर मिलाते हैं जैसा लिखते हैं लिखते चल जाओ दोनों को एक साथ बोल सकते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ क्या बनेगा डोंट वरी आई एम विथ यू किसको बोलना विथ यू कोई अगर ट्रबल में होगा किस में होगा ट्रबल मुसीबत में तो उसको बोल देना ट्रबल का मतलब क्या होता है मुसीबत जैसे बोलेंगे कि मैं मुसीबत में हूँ तो क्या बोलेंगे I am trouble. I am in trouble. I am in trouble. दो बातों का I am trouble का मतलब हम ही मुसीबत है ऐसा समझ में जैसे बोलेंगे I am सोनू मैं सोनू तो I am trouble का मतलब क्या हो जाएगा मैं मुसीबत क्वेश्चन ये था दो अलग अलग बात है मैं मुसीबत हूँ और मैं मुसीबत में हूँ एक के बाद ही अलग अलग बात है तो एक ही ट्रांसलेशन बनेगा कि अलग अलग बनेगा मैं मुसीबत हूँ I am trouble. Problem. मैं मुसीबत हूँ मैं मुसीबत में हूँ इन ट्रॉबल इनका यूज करते हैं
मैं टीम अचीवर हूँ। अब मैं मुसीबत में हूँ, इन लग जाएगा। आई एम इन ट्रबल। मैं मुसीबत में हूँ। क्या तो सर था क्वेश्चन में तो बार छूट गया होगा क्या चीज़ पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा कल पढ़ाएंगे रंग कल पढ़ाना याद रखना आएंगे तब ये उसके बाद बताना पड़ेगा क्लास लेगा पूरा और क्वेश्चन बोलो तो आपका तो चेक करने के लिए खोलो चेक करने आपका शॉप क्या है आपका शॉप क्या क्या है हाँ सर आपको रख लो कॉपी यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ है वो किसका आपका शौक क्या अरे आपका रंग क्या है आंसर बता सकते व्हाट इज नहीं कलर नहीं होगा व्हाट इज योर कॉम्प्लेक्शन मानव के रंग को कॉम्प्लेक्शन कहते हैं व्हाट इज योर कलर तो बोलेगा आई एम ब्लैक मैं करिया हूं यू आर व्हाइट तुम गोरका ना अब ये लो मैं पीला हूं को क्या काम ग्रीन हम हरियर का नहीं ये उतना नहीं होता है इसलिए बोले कॉम्प्लेक्शन पढ़ाते हैं व्हाट इज योर कॉम्प्लेक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा बोले ये आपका क्या बात है आपका रंग क्या रंग का दो इंग्लिश हो गया कौन कौन कॉम्प्लेक्स मत बोल देना तू लोग कॉम्प्लेक्शन क्या बोला क्या कॉम्प्लेक्शन ये वो कलर ठीक है तो जो मानव का रंग होता है ना कॉम्प्लेक्शन होता है क्या होता है जैसे किसी को पूछेंगे तुम्हारा रंग कौन सा है तो बोलेंगे व्हाट इज योर कलर सो व्हाट इज योर कॉम्प्लेक्शन क्या बोलेंगे व्हाट इज योर कॉम्प्लेक्शन उसकी मत बोल देना व्हाट इज योर कलर तो हो जाए बोलेगा आई एम कैकवा आई एम ब्लैक आज वही बोलना करेगा हाँ ठीक है ना तो आंसर भी दे सकते हैं इसका देखो ऐसा क्वेश्चन करते हैं क्या करते हैं इसका आंसर भी तो दे सकते हैं बोलेंगे मेरा रंग काला है I am black. वाह वाह गच्छ। अरे बोलेगा I am white. ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो। याद रहेगा कब बोलेंगे? क्वेश्चन बोले? देखो भगवान सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र है आंसर नहीं लिखना सिर्फ क्वेश्चन हाँ हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे आंसर घर में लिखना ठीक है आ जाओ इंग्लिश में भी तो क्वेश्चन लिख सकते हैं हाँ कैसे लिखना कोई दिक्कत नहीं भगवान सर्वत्र है उसके बाद भगवान सर्वशक्तिमान है भगवान सर्वशक्तिमान है गॉड इज ओमनीपोटेंट भगवान सर्वज्ञानी है भगवान सर्वज्ञानी है चिंता मत करो भगवान तुम्हारे साथ है
डोंट वरी आई एम सॉरी गॉड इज विद यू चिंता मत करो भगवान तुम्हारे साथ है हाँ कलुगी हो तुमने चिंता मत करो हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना है डोंट वरी तो मेरा क्या किया आई एम विद यू ठीक है बोलिए अभी बताएंगे सर डोंट वरी आई एम विद यू क्या बोलते हैं नहीं हम लोग हैं मैं कहना आई होता है हम लोग है तो क्या हो जाएगा मैं हूँ हो तो आई एम बोलना हम लोग हो तो क्या बोलेंगे वी आर ओके है ना मैं दरवाजे पर हूँ आई एम एट द डोर मैं छत पर हूँ आई एम ऑन द टेरेस खिड़की खोलो ओपन द विंडो खोलने के लिए ओपन करो ओपन द विंडो खुला हो जाता है खिड़की खोलने के लिए ओपन कर सकता है ओपन द विंडो ओपन द विंडो खिड़की बंद करो बंद करना के लिए क्लोज क्लोज द विंडो चलेगा चलो शट द डोर होता है शट का यूज कर सकते हैं शट शट द विंडो शट भी चलेगा क्लोज भी चलेगा कोई दिक्कत जो मन हो शट या क्लोज लो दोनों हो सकता है क्या बोला खिड़की खोल हो गया खिड़की बंद हो गया उसके अपना टास्क पूरा करो अपना टास्क पूरा करो कंप्लीट योर टास्क अपना काम पूरा करो दोनों सही है दोनों सही है दोनों सही है बहुत आर राइट नहीं मैं आपसे सीनियर हूँ मैं आपसे सीनियर हूँ मेरा भाई तुमसे जूनियर है सर आई एम मैं सीनियर हूं क्या बोल आई एम इसका मेरा भाई क्या बोलते मैं सीनियर हूं आई एम सीनियर सर क्वेश्चन मेरा भाई तुमसे सीनियर जूनियर क्या क्या सीनियर मेरा भाई तुमसे जूनियर सीनियर जूनियर सीखना है बस नेक्स्ट मेरी कन्या मुझसे जूनियर नहीं नहीं मेरी कन्या मुझसे सीनियर जूनियर कैसे होता है सीनियर कन्या का इंग्लिश क्या होता है भाई वही बताना पड़ेगा बात देखो मेरी कन्या मुझसे सीनियर माय वाइफ इज सीनियर टू मी हमेशा जूनियर रहता है हां जूनियर क्या सीनियर ना सकती है कितना बार मेरी कन्या मस्त लड़की लड़की है 15 साल उस वक्त मैं क्लास में था उस वक्त मैं क्लास में था एट द टाइम कॉपी पढ़िएगा कल करके बिल्कुल ना उस वक्त मैं क्लास में था उस वक्त मैं क्लास में था उस वक्त मैं मुझे तंग मत करो डोंट फिक्स मी मुझे तंग मत करो काफी मुझे तंग मत करो ये तो बड़ा उतर क्या ना नया वाला पीछे वाला वीडियो देख के आएगा